हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह। बढ़ता ही जा रहा है बाढ़ का खतरा, दरभंगा समस्तीपुर सड़क मार्ग पर और बढ़ा पानी, कई नए इलाकों में भी सैलाब का कहर। डीएम ने सिटी एसपी समेत कई अधिकारियों के साथ किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, दिए कई निर्देश। एनडीआरएफ की टीम लगातार मुस्तैद, बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की कर रही है मदद। कम्युनिटी किचन चलाकर पीड़ितों को कराया जा रहा है भोजन। बाढ़ राहत एवं बाढ़ निरोधक कार्य लगातार जारी। बाढ़ शरण स्थली वाले मुख्य मार्ग पर भी भारी वाहनों का परिचालन बंद, इन रास्तों पर रात 3 बजे के बाद नहीं चलेंगे चारपहिया वाहन भी। एनएच किनारे सो रहे बाढ़ पीड़ित दंपति को पिकअप ने कुचला, विरोध में सड़क जाम। मृतकों के परिजनों को दिया गया 8 लाख रुपए का चेक, जिलाधिकारी ने हादसे पर जताया दुख। बिहार में बेकाबू हो रहा कोरोना, 2480 नए मरीजों के साथ आंकड़ा 43,500 के पार। और दरभंगा में 26 नए पॉजिटिव केस, 750 के करीब पहुंची मरीजों की संख्या। दरभंगा समस्तीपुर सड़क मार्ग पर बाढ़ के पानी का दबाव बढ़ गया है, आसपास के इलाकों में भी बाढ़ का पानी पूरी तरह से फैल गया है। प्रशासनिक टीम जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के नेतृत्व में लगातार इलाकों में मुआयना कर रही है, स्थिति का जायजा ले रही है, राहत कार्य चलाए जा रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम तैनात है, कम्युनिटी किचन चलाकर बाढ़ पीड़ितों को भोजन कराया जा रहा है। यह ताजी तस्वीर आप देख रहे हैं दरभंगा समस्तीपुर सड़क मार्ग की, जहां डीलाही और आसपास के इलाकों में सड़क पर बाढ़ का पानी बह रहा है, काफ़ी ऊंचाई में सड़क पर बाढ़ का यह पानी बह रहा है। 2 दिन से यह हालात हैं। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद है और दरभंगा समस्तीपुर सड़क मार्ग की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस पर कभी भी ठप हो सकता है परिचालन, क्योंकि बाढ़ का पानी कई फुट की ऊंचाई में यहां बह रहा है। हालांकि 2 दिन पहले जब बाढ़ के पानी ने दस्तक दी थी सड़क पर, तो उस वक्त काफ़ी कम पानी था, लेकिन धीरे धीरे यह पानी बढ़ता चला गया। नेपाल में हुई भारी बारिश और उसके बाद नदियों में आए उफान के साथ ही दरभंगा समस्तीपुर सड़क मार्ग और आसपास के इलाकों में बाढ़ का यह पानी फैला है। किसी भी वक्त इस सड़क पर यातायात ठप हो सकता है। हालांकि 2004 की अगर बात करें तो 11 जुलाई को 2004 में इसी सड़क पर बाढ़ के पानी ने दस्तक दी थी और उसके बाद ही 2004 की बाढ़ पूरे गांव से लेकर शहर तक में फैली थी। पूरे उत्तर बिहार में खासतौर से दरभंगा और मधुबनी को खासा निशाना बनाया था 2004 की बाढ़ ने, और इस बार वही स्थिति दोहराई जा सकती है। बाढ़ की विभीषिका को देखकर ऐसा लगता है शहर दरभंगा के निचले इलाकों में पानी फैल रहा है। और दरभंगा समस्तीपुर सड़क मार्ग की यह तस्वीर देख रहे हैं, आसपास के इलाकों को आप देखिए किस तरह बाढ़ का पानी बढ़ रहा है। तो सतर्क रहना है क्योंकि खतरा दोहरा है, बाढ़ के साथ साथ कोरोना को भी झेल रहे हैं लोग। डीएम ने सिटी एसपी के साथ किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण, सड़क किनारे विस्थापित लोगों से भी की मुलाकात, जाना उनका हाल। जिलाधिकारी द्वारा बहादुरपुर एवं हनुमान नगर अंचल के निरीक्षण के क्रम में अंचलाधिकारी को बाढ़ पीड़ितों के लिए बाढ़ राहत एवं बचाव कार्य, पॉलिथीन सीट्स का वितरण, सामुदायिक रसोई का संचालन आदि नियमित रूप से जारी रखने का निर्देश दिया गया। निरीक्षण के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता तथा अंचलाधिकारी बहादुरपुर एवं हनुमान नगर उपस्थित थे। एनडीआरएफ की टीम ने भी अलग अलग जगहों पर संभाल रखी है कमान, बाढ़ पीड़ित परिवारों को लगातार की जा रही है मदद, जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने के साथ ही फंसे लोगों को बाहर निकालने का भी काम कर रही है एनडीआरएफ।
कम्युनिटी किचन के जरिए लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है भोजन। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जगह जगह कम्युनिटी किचन का संचालन कर सामुदायिक रसोई के जरिए लोगों को दिया जा रहा है खाना। बाढ़ राहत व बाढ़ निरोधक कार्य लगातार जारी चलाई जा रही है। 403 सामुदायिक रसोई व 345 नाव एनडीआरएफ की टीम लगातार कर रही है रेकी। 1,26,900 व्यक्तियों को कराया जा रहा है भोजन। 19,075 परिवारों को दिया गया पॉलीथीन सीट। 6,060 सूखा फूड पैकेट्स का किया गया वितरण। आपदा प्रबंधन शाखा के प्रभारी पदाधिकारी ने बताया कि दरभंगा जिले के सदर, दरभंगा, बहादुरपुर, हायाघाट, हनुमाननगर, जाले, सिंहवाड़ा, केवटी, बहेड़ी, बेनीपुर, गौड़ाबराम, घनश्यामपुर, कीरतपुर, कुशेश्वर स्थान व कुशेश्वर स्थान पूर्वी कुल 14 प्रखंड के कुल 162 पंचायत बाढ़ प्रभावित हैं। इनमें 108 पंचायत पूर्णतः एवं 54 अंशतः प्रभावित हैं। इनमें 661 गांव के 12,68,120 परिवार प्रभावित हुए हैं। सभी प्रभावित स्थानों पर प्रभावित व्यक्तियों के लिए सामुदायिक रसोई चलाकर भोजन की व्यवस्था कराई गई है। वर्तमान में पानी से घिरे 661 गांवों में 403 सामुदायिक रसोई का संचालन किया जा रहा है। इनमें 1,26,900 व्यक्ति सुबह शाम भोजन कर रहे हैं। आवश्यकता अनुसार पॉलीथीन सीट्स का वितरण किया जा रहा है। अभी तक 19,075 पॉलीथीन सीट का वितरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को प्रभावित क्षेत्रों की जरूरत के हिसाब से मांग भेजने का भी निर्देश दिया गया। वैसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों जहां सूखा एवं ऊंचा स्थान नहीं मिलने के कारण सामुदायिक रसोई का संचालन नहीं हो सकता है, वहां सूखा खाद्य पैकेट का वितरण करवाया जा रहा है। आज 6,060 सूखा फूड पैकेट का वितरण करवाया गया है एवं अन्य प्रखंडों से जिला भंडार गृह से आवश्यकता अनुरूप पैकेट्स मांगने एवं वितरित करने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन एवं राहत कार्यों के लिए 304 निजी नाव एवं 41 सरकारी नाव, कुल 345 नाव चलवाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की 3 टीमें लगाई गई हैं, जिनमें 90 व्यक्ति 17 मोटर बोट के साथ तैनात किए गए हैं, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार रेकी कर बचाव एवं राहत कार्य कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 4 पशु कैंप कार्यरत हैं, जिनमें 318 पशुओं का उपचार किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अभी तक पानी में डूबने से 7 व्यक्तियों की मृत्यु की जानकारी हुई है, जिनके परिजनों को अनुग्रह अनुदान के रूप में संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा 4,00,000 रुपये मुहैया कराए जा चुके हैं। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के आदेश के आलोक में संबंधित प्रखंडों के प्रभारी वरीय पदाधिकारियों द्वारा आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर बाढ़ राहत कार्य व बाढ़ निरोधक कार्य की स्थिति का जायजा लिया गया। संबंधित पदाधिकारियों को बाढ़ निरोधक कार्य एवं बाढ़ राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने की बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा। बाढ़ शरण स्थली वाले मुख्य मार्ग पर भी भारी वाहनों का परिचालन रहेगा बंद। रात्रि 3 बजे के बाद इन रास्तों पर चारपहिया वाहन का चलना भी रहेगा बंद। जिलाधिकारी ने बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा। केवटी में हुई घटना को लेकर जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा सभागार में पुलिस पदाधिकारियों एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। जिलाधिकारी द्वारा NH-57, NH-527, एकमी समस्तीपुर, जाले, सिमरी, शोभन, केवटी, जयनगर आदि सड़कों पर शरण लिए विस्थापित लोगों की चिंता करते हुए उनको नज़दीकी आश्रय स्थलों पर बसाने का निर्देश दिया गया। जहां भी आश्रय स्थल पानी से घिरे हैं वहां के लिए सड़कों पर आवासित लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था करने का भी निर्देश सभी पदाधिकारियों को दिया गया। इसके लिए स्थानीय पदाधिकारीगणों की जिम्मेदारी तय करते हुए पथ निर्माण विभाग से समन्वय स्थापित कर बैरिकेडिंग, ड्रॉप गेट बनाने तथा ड्रम लगाकर सुरक्षा व्यवस्था करने का
निर्देश दिया गया। इसके लिए किसी भी प्रकार के संसाधन की आवश्यकता पड़ने पर जिला में स्थापित आपदा प्रबंधन केंद्र से मांग करने का भी निर्देश दिया गया। नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार द्वारा सभी थाना अध्यक्षों को इन इलाकों में चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति करने तथा हमेशा गश्ती दल द्वारा गश्ती करते हुए सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया। गश्ती दलों के कारण वहां से चलने वालों की चेकिंग एवं गति अवरोध करने में भी सहायता मिलेगी। नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा थानाध्यक्षों को कहा गया कि ऐसे मार्गों पर भारी वाहन जैसे ट्रक बस आदि का परिचालन बंद कराएं तथा रात्रि 3 बजे के बाद दोपहिया वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों को चलने से रोका जाए। इसके साथ ही सभी थानाध्यक्ष प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी के साथ मिलकर संबंधित क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था पर नजर रखें। ऐसे मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 4 दिन पहले ही जिला प्रशासन द्वारा वन वे बनाने तथा बैरिकेडिंग करने का आदेश जारी किया जा चुका है, जिसका अनुपालन करने का निर्देश सभी संबंधित पदाधिकारी को दिया गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा एक एक कर सभी प्रखंडों के अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा वरीय प्रभारी पदाधिकारियों से बचाव एवं राहत कार्य की समीक्षा की गई तथा सामुदायिक रसोई के संचालन, पॉलिथीन सीट्स के वितरण तथा बचाव कार्य को ध्यानपूर्वक चलाते रहने का निर्देश दिया गया। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल, दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त, हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन, हेरू इंग्लिश स्कूल दरभंगा। क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ऑल द व्हीकल्स आर इनेबल्ड विद जीपीएस, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स लैब, वेरी गुड फैसिलिटीज फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, कंप्लीट स्कूल कैंपस इज अंडर सीसीटीवी सर्विलांस, रेगुलर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेरेंट्स थ्रू एसएमएस अलर्ट सिस्टम, एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, नो री एडमिशन चार्जेस फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स, 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 7763819774। महासेठ टेक्सटाइल्स बाकरगंज लहेरिया सराय दरभंगा। शूटिंग शर्टिंग साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ, बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। बढ़ता ही जा रहा है बाढ़ का खतरा, दरभंगा समस्तीपुर सड़क मार्ग पर और बढ़ा पानी, कई नए इलाकों में भी सैलाब का कहर। डीएम ने सिटी एसपी समेत कई अधिकारियों के साथ किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, दिए कई निर्देश। एनडीआरएफ की टीम लगातार मुस्तैद, बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की कर रही है मदद। कम्युनिटी किचन चलाकर पीड़ितों को कराया जा रहा है भोजन। बाढ़ राहत एवं बाढ़ निरोधक कार्य लगातार जारी। बाढ़ शरण स्थली वाले मुख्य मार्ग पर भी भारी वाहनों का परिचालन बंद, इन रास्तों पर रात 3 बजे के बाद नहीं चलेंगे चारपहिया वाहन भी। एनएच किनारे सो रहे बाढ़ पीड़ित दंपति को पिकअप ने कुचला, विरोध में सड़क जाम। मृतकों के परिजनों को दिया गया 8 लाख रुपए का चेक, जिलाधिकारी ने हादसे पर जताया दुख। बिहार में बेकाबू हो रहा कोरोना, 2480 नए मरीजों के साथ आंकड़ा 43,500 के पार। और दरभंगा में 26 नए पॉजिटिव केस, 750 के करीब पहुंची मरीजों की संख्या। एक तो कोरोना लोगों के लिए जान का खतरा बना हुआ है, कोरोना से मुकाबला कर रहे लोग अभी हाल के दिनों में बाढ़ से अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में हैं, और ऐसे में बाढ़ पीड़ित दंपति पति पत्नी की कुचलकर हुई मौत ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। नेशनल हाईवे के किनारे सो रहे बाढ़ पीड़ित दंपति को पिकअप ने कुचल दिया, लोगों ने विरोध में सड़क जाम कर जताया अपना आक्रोश। यह बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां दरभंगा जयनगर राष्ट्रीय राजमार्ग
527B के कोयला स्थान और चतरा के बीच मंगलवार की सुबह पिकअप वैन ने सड़क के किनारे सो रहे बाढ़ पीड़ित दंपत्ति को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त कोयला स्थान गांव के सुरेंद्र यादव एवं उनकी पत्नी परमशीला देवी के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। इधर घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने दरभंगा जयनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को घटना स्थल के समीप 4 घंटों तक जाम कर यातायात को ठप कर दिया। इसके कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गई, लोग जाम में फंसे रहे। घटना की जानकारी मिलते ही सरकारी पदाधिकारियों का अमला वहां पहुंचा, थाने की पुलिस पहुंची और जाम हटाया गया। ग्रामीणों ने उक्त गाड़ी के चालक को पकड़ लिया। मधुबनी जिले के हरलाखी थाना अंतर्गत रहने वाला दीपक कुमार मंडल बताया जा रहा है वह गाड़ी का चालक, जिसे पुलिस के हवाले लोगों ने कर दिया है। तो आप रहिए बेखबर, बाढ़ और कोरोना दोनों से करना है डटकर मुकाबला, लेकिन सावधानी के साथ। मृतक के परिजनों को दिया गया 8 लाख रुपए का चेक। केवटी प्रखंड के कोयला स्थान में हुई सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत की सूचना पर जिला प्रशासन ने दुख जताया है और मृतक के परिजनों को 8 लाख रुपए का चेक सौंपा गया है। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा लगातार सभी बाढ़ पीड़ितों से अनुरोध किया जा रहा है कि वह सड़क किनारे न रहकर पंचायतों में बनाए गए आश्रय स्थलों में शरण लें। जिलाधिकारी ने कहा कि यह दुर्घटना हुई है और इसको लेकर सबों को सबक लेना चाहिए। उल्लेखनीय है कि कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल को जगह जगह बैरिकेडिंग का भी निर्देश दिया गया है। पूर्व में ही NH 527 पर शरण लिए हुए बाढ़ पीड़ितों की सुरक्षा के लिए 1-वे लागू करा दिया गया है तथा अन्य जगहों पर भी बैरिकेडिंग तथा ड्रम के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। सभी थानाध्यक्षों को सतर्क रहकर किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो यह सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा मृतकों के परिजनों को 8 लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया। बाढ़ के साथ साथ कोरोना का भी बढ़ा हुआ है खतरा। 2 दिनों में बिहार में मिले 2480 नए पॉजिटिव केस। बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 43,500 के पार। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 26 और 27 जुलाई के लिए जारी की गई स्वास्थ्य रिपोर्ट में अररिया में 56, अरवल में 29, औरंगाबाद में 75, बांका में 30, बेगूसराय में 56, भागलपुर में 55, भोजपुर में 86, बक्सर में 94, दरभंगा में 26, पूर्वी चंपारण में 12, गया में 145, गोपालगंज में 47, जमुई में 39, जहानाबाद में 22, कैमूर में 15, कटिहार में 54, खगड़िया में 51, किशनगंज में 63, लखीसराय में 18, मधेपुरा में 34, मधुबनी में 55, मुंगेर में 35, मुजफ्फरपुर में 199, नालंदा में 128, नवादा में 25, पटना में 414, पूर्णिया में 73, रोहतास में 107, सहरसा में 35, समस्तीपुर में 53, सारण में 120, शेखपुरा में 11, शिवहर में 17, सीतामढ़ी में 7, सीवान में 48, सुपौल में 34, वैशाली में 87 और पश्चिम चंपारण में 25 नए पॉजिटिव केस मिले हैं और बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 43,591 पहुंच गया है। इनमें से काफ़ी मरीजों ने कोरोना को परास्त भी कर दिया है। दरभंगा में भी बढ़े कोरोना के मरीज। 26 नए पॉजिटिव केस मिलने से आंकड़ा 750 के करीब। नए मरीजों का भी DMCH के आइसोलेशन वार्ड में कराया जा रहा है इलाज। बढ़ता ही जा रहा है बाढ़ का खतरा। दरभंगा समस्तीपुर सड़क मार्ग पर और बढ़ा पानी। कई नए इलाकों में भी सैलाब का कहर। DM ने सिटी SP समेत कई अधिकारियों के साथ किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, दिए कई निर्देश। NDRF की टीम लगातार मुस्तैद, बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की कर रही है मदद। कम्युनिटी किचन चलाकर पीड़ितों को कराया जा रहा है भोजन। बाढ़ राहत एवं बाढ़ निरोधक कार्य लगातार जारी। बाढ़ शरण स्थली वाले मुख्य मार्ग पर भी भारी वाहनों का परिचालन बंद। इन रास्तों पर रात 3 बजे के बाद नहीं चलेंगे चारपहिया वाहन भी। NH किनारे सो रहे बाढ़ पीड़ित दंपति को पिकअप ने कुचला, विरोध में सड़क जाम। मृतकों के परिजनों को दिया गया 8 लाख रुपए का चेक। जिलाधिकारी ने हादसे पर जताया दुख। बिहार में बेकाबू हो रहा कोरोना।
2480 नए मरीजों के साथ आंकड़ा 43,500 के पार। और दरभंगा में 26 नए पॉजिटिव केस, 750 के करीब पहुंची मरीजों की संख्या।